फयाजुल हसन चौहान ने बगावत के मुकदमे में मुलव्वस मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। वजीर इत्तला पंजाब फैजुल हसन चौहान ने कहा है कि रियासती इदारों पर किसी किस्म की तनकीद नहीं हो सकती। दयारे गैर में बैठे शख्स के बयान की पाकिस्तान में मौजूद अफराद ने तायद की, इसलिए जुर्म में वो भी बराबर के शरीक है। वजीर इत्तला पंजाब फैजुल हसन चौहान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने FIR दुरुस्त दर्ज की। पंजाब पुलिस टीमें तश्कील देकर बगावत के मुकदमे में मुलविस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करेगी। मुल्क का आइन कहता है कि रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं हो सकती। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इंदिया दिया था। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के बयानिये पर भारतीय मीडिया शादिया ने बजा रहा है, उनका कड़ा एहतिसाब होना चाहिए। उनका कहना था कि अवामी मुतालबे पर नवाज शरीफ पर गद्दारी के मुकदमे के लिए सोच रहे हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ का लंदन में भी मुहासबा किया जाएगा।